राष्ट्रीय स्तर एथलेटिक्स में कई पदक प्राप्त कर चुके सिद्धार्थ कुमार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय के चेयरमैन समिति पर भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उनके द्वारा रोहतास डीएम से भी इस मामले की शिकायत की गई है। डीएम से शिकायत करने पहुंचे सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि जिस समय केंद्रीय विद्यालय में अंशकालीन कोच का विज्ञापन निकला था, उस समय इस बात का कहीं पर जिक्र नहीं था कि केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पद की धारक हो सकती है। यही नहीं, आवेदन के बाद भी साक्षात्कार में महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी आमंत्रित किया गया। इसके बाद जब चयन की बारी आई तो केंद्रीय विद्यालय के चयन समिति के द्वारा एक नया नियम जारी कर दिया गया। उस नियम के अनुसार इस पद के धारक कोई महिला अभ्यर्थी हो सकती है और इसी के तहत हमसे कम योग्यताधारी एक महिला की नियुक्ति अंशकालिक कोच के तौर पर कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं कई स्तर पर पदक प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन इस पद की योग्यता भी उनके द्वारा समझी नहीं जा रही और ना ही इसका महत्व दिया जा रहा है, जबकि हमसे कम योग्यता होने के बावजूद उक्त महिला का चयन किया गया है। मामला यही है कि सर, यहाँ पर हम इसलिए आए कि केंद्रीय विद्यालय में टाइक्वांडो कोच का इंटरव्यू दिए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं किया जाता है, जबकि हम बीपीएड किए हुए हैं, ब्लैक बेल्ट भी किए हुए हैं टाइक्वांडो में, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और सीनियर नेशनल भी मेडल है, बहुत सारे ब्रॉन्ज भी है। सारा टोटल मेडल मिला के अब तक हमने 10 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन तब पर भी मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाता। और हम बहुत सारे स्कूलों में, संस्थानों में प्रशिक्षण भी दे चुके हैं, ताइक्वांडो का, मार्शल आर्ट का, सेल्फ डिफेंस का, फिजिकल एजुकेशन का, गेम का भी बहुत सारा, लेकिन मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं किया जाता। वहाँ पर किसी महिला प्रशिक्षक का रखा गया, उस समय कोई दिक्कत नहीं है कि महिला टीचर का रखा गया। दिक्कत यह है कि सर, वो अभी ग्रेजुएशन में बीए में है और उसके पास ना कोई डिप्लोमा है, ना सर्टिफिकेट है, ना डिग्री है गेम के, किसी भी गेम में। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि पूरा धांधली किया गया है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस। क्या उसका नियम था उसमें सिलेक्शन करने का? नियम यही था कि सर, वहाँ पे इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी दिया, उसमें मेरा नंबर कम दिया गया है, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे फिर नियम ये भी है कि ग्रेजुएशन पास हो और कोई भी किसी भी गेम में या फिर किसी भी एजुकेशन में डिप्लोमा हो, डिग्री हो, बीपीएड हो, ये सब उसमें मेंशन था। कितने लोग इंटरव्यू दिए थे उसमें? लोग तो बहुत सारे थे, पता नहीं हम कितने थे, लेकिन बहुत थे। उसमें लड़की चयन किया, मेरा नाम दूसरा नंबर पर, जबकि पहला नंबर पर होना चाहिए था। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।